वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ना ब्रेक के बाद अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट, जिसका नाम है थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, यानी ये जो ऑडिटर की इंडिपेंडेंस है। ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कहां लिखा है जल्दी से बताओ? ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए कहां लिखा है फटाफट मुझे बताओ। तुम ब्रेक में जाके ना वो फ्लो बिगड़ जाता है, तो मैं फ्लो वापस लाने के लिए मेरा आपसे पहला सवाल ये है, हमारा जो ऑडिटर है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए कहां लिखा है? कौन से ऐसे में आपने पढ़ी बात कि हमारा ऑडिटर इंडिपेंडेंट हो? अरे डेफिनेशन ऑफ ऑडिट तो कोई भी बना सकता है, डेफिनेशन ऑफ ऑडिट तो कोई भी बना सकता है। हमने ऐसे में बात करी थी एक कि एक ऐसे में ये लिखा था ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। सब बच्चों ने एकदम सही बताया सर, ऐसे 200 ने हमको बोला ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, हमारा ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बट मुझे एक बात बताओ, क्या उसकी इंडिपेंडेंस पे कुछ थ्रेट्स आ सकते हैं? द आंसर इज यस, थ्रेट्स आ सकते हैं, और उन्हीं थ्रेट्स की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो थ्रेट है वो है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। ये कहां से आए हैं? कोड ऑफ एथिक्स जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स के लिए बनाया जाता है, प्रिपेयर्ड बाय इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, जो मैंने आपको बताया था पहले भी, आईफैक्ट। इसने 5 तरीके के थ्रेट्स आइडेंटिफाई करे हैं। सर ये 5 थ्रेट क्या है, एक एक करके करेंगे। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा मजेदार टॉपिक है, आपको भी पढ़ के मजा आएगा। पहला थ्रेट है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट यानी इसको आप लॉजिकली समझो, एज एन ऑडिटर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने जा रहा हूं उस एंटिटी के जिसमें मेरा खुद का इंटरेस्ट है। मुझे एक बात बताओ, क्या जिस एंटिटी में मेरा खुद का इंटरेस्ट है मैं ऑब्जेक्टिवली उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कर पाऊंगा? क्या मैं एक अनबायस्ड रूप में एक अपनी फ्रीडम के साथ उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर पाऊंगा, या मेरी एक बायसनेस रहेगी अगर मैं उस एंटिटी में इंटरेस्टेड हूं? द आंसर इज बायसनेस रहेगी। तो ये थ्रेट कब आता है? व्हेन द ऑडिटिंग फर्म या फिर उसका जो पार्टनर है या फिर उस फर्म की कोई एसोसिएट फर्म है विच कुड बेनिफिट फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द ऑडिट क्लाइंट, यानी अगर आपका ऑडिट क्लाइंट में कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सर फाइनेंशियल इंटरेस्ट कैसे कैसे हो सकता है? एग्जाम्पल के तौर पर मैं जिस क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूं वो मुझे बहुत भारी भारी फीस देता है, यानी मैं साल में मान लो एज एन ऑडिट फर्म मैं 1 करोड़ रुपए कमाता हूं, ठीक है? कोई भी ऑडिट फर्म 1 करोड़ रुपए से कम तो कमाती नहीं है। मैं साल के 1 करोड़ रुपए कमाता हूं एज ए ऑडिट फर्म, और एक क्लाइंट मुझे 90 लाख रुपीज देता है, यानी 1 करोड़ साल भर की कमाई, उसमें से 90 लाख एक क्लाइंट से आ रहे। क्या लगता है उस क्लाइंट की मैं गलतियां निकाल पाऊंगा? सोच समझ के बताना। एक ऐसा क्लाइंट है जिसमें 1 करोड़ में से 90 लाख वहीं से आ रहे हैं, यानी 90% फीस वहीं से आ रही है, क्या तो क्या मैं उस क्लाइंट की गलती निकाल पाऊंगा? नहीं निकाल पाऊंगा। द आंसर इज नहीं निकाल पाऊंगा। तो जहां पे भी हैवी डिपेंडेंस रहेगी ऑडिट फीस पे, ध्यान देना, जहां पे भी हैवी डिपेंडेंस रहेगी क्लाइंट फीस पे, या मुझे डर रहेगा कहीं ये क्लाइंट चला ना जाए, तो मैं उस क्लाइंट की फीस को ध्यान में रखते हुए कभी भी ऑब्जेक्टिवली अपना काम नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा फीस से रिलेटेड एक और पॉइंट, कंटिंजेंट फीस फॉर द ऑडिट एंगेजमेंट। क्या मेरी ऑडिट एंगेजमेंट की जो फीस है वो फिक्स्ड होनी चाहिए या कंटिंजेंट होनी चाहिए? कंटिंजेंट यानी ऐसा होगा तो इतनी फीस देंगे, वैसा होगा तो इतनी फीस देंगे। भाई साहब ऐसा वैसा होगा नहीं चलता ऑडिट में। ऑडिटर ने को बोला है ऑडिट करेगा तो ऑडिटर ऑडिट करेगा, अपनी रिपोर्ट इश्यू करेगा, बट ये जो फीस है ये फिक्स्ड होनी चाहिए, ये कंटिंजेंट नहीं होनी चाहिए। अगर कंटिंजेंट होगी तो अगर क्लाइंट को आपकी रिपोर्ट पसंद नहीं आई तो फिर तो वो कम फीस देगा, और आप क्लाइंट को खुश करने की कोशिश करोगे। जहां आपने क्लाइंट को खुश करने की कोशिश करी वहां आपकी ऑब्जेक्टिविटी की बैंड बच जाएगी, वहां आपकी इंडिपेंडेंस की बैंड बच जाएगी। तो दोनों फीस वाले पॉइंट याद रखना, अनड्यू डिपेंडेंस ऑन द फीस और कंटिंजेंट फीस। सर फीस तो चलो ठीक है, और फाइनेंशियल इंटरेस्ट क्या हो सकता है? तो मैंने कहा अगला फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो सकता है मैंने उसको लोन दिया है, मैंने उस क्लाइंट को लोन दिया है, या मैंने उस क्लाइंट के बिहाफ पे गारंटी दी है। तो अब एक बात बताओ, जिसको मैंने लोन दिया है मैं उसको खुश रखना चाहूंगा या उसको दुखी करूंगा? मैंने अगर किसी को लोन दिया है मैं उस व्यक्ति को, उस वस्तु को, उस विशेष को, उस संज्ञा को मैं खुश रखना चाहूंगा या दुखी रखूंगा? सर मैं खुश रखना चाहूंगा, और खुश रखने के लिए मुझे उसकी बातें माननी पड़ेंगी, मैं उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी भी अच्छे से ऑडिट नहीं कर पाऊंगा। तो अगर मैंने सामने वाले व्यक्ति को लोन दे रखा है या उसको गारंटी दे रखी है जो मेरा क्लाइंट है, तो मैं कभी भी वहां पे उससे ठीक से इंडिपेंडेंटली ऑडिट नहीं कर पाऊंगा। तो सर पहला तरीका हो गया फीस, दूसरा हो गया मैंने उसको लोन दे रखा है, तीसरा क्या हो गया? बिजनेस रिलेशन है, हम दोनों की क्लोज बिजनेस रिलेशन है, हम दोनों ने मिलके कोई धंधा रन कर रहे हैं। अगर कोई मेरा बिजनेस पार्टनर होगा तो वो तो मेरे दोस्त की तरह ही हो गया ना।
अगर कोई मेरा बिजनेस पार्टनर है मैं उसकी गलतियां क्यों निकाल लूंगा? तो अगर मेरी क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप है विद द ऑडिट क्लाइंट मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, या तो मैं उसके साथ बिजनेस कर रहा हूं या मैं उसका एम्प्लॉय बनना चाहता हूं। यानी एज एन ऑडिटर मैं अपनी फर्म के साथ काम नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं जिस कंपनी का मैं ऑडिट कर रहा हूं, जैसे कि रिलायंस का ऑडिट कर रहा हूं, आईटीसी का ऑडिट कर रहा हूं, हिंदुस्तान यूनिलीवर का ऑडिट कर रहा हूं, मैं उसका एम्प्लॉय बनना चाहता हूं। अगर मैं किसी कंपनी का एम्प्लॉय बनना चाहता हूं तो क्या मैं उसकी गलतियां निकालूंगा? द आंसर इज नो। अगर मुझे लगता है पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट मिलने वाली है मैं कभी भी इंडिपेंडेंटली ऑडिट नहीं कर पाऊंगा। सर ये तो बड़ा आसान है, पहला पॉइंट क्या हो गया? ऑडिटर को क्या चाहिए फाइनेंशियल इंटरेस्ट में? सर फीस चाहिए। मैंने कहा फीस के अलावा और क्या क्या हो सकता है? मैंने उसको लोन दिया है, मेरा उसके साथ बिजनेस रिलेशन है, मैं उसका एम्प्लॉय बनने वाला हूं। फिर से बताओ और क्या क्या हो सकता है फाइनेंशियल इंटरेस्ट? मैंने कहा सबसे पहला और पहला पॉइंट तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट ही है, तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट और मटेरियली सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन अ क्लाइंट। डायरेक्टली मैंने क्लाइंट में पैसे लगा रखे हैं या इनडायरेक्टली किसी के थ्रू क्लाइंट में पैसे लगा रखे हैं तो मेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट बन जाएगा। फाइनेंशियल इंटरेस्ट बनने के क्या क्या तरीके हो गए जल्दी से बताओ? सर डिपेंडेंस ऑन द फीस, फीस से रिगार्डिंग एक और पॉइंट कंटिजेंट फीस, और क्या पॉइंट है? मैंने क्लाइंट को लोन दे रखा है, उसके साथ बिजनेस रिलेशन कर रखी है, और पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद अ क्लाइंट। जल्दी से बताओ क्या ये टॉपिक क्लियर है, हाँ या ना? क्या एग्जांपल्स ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट समझ आए? सेल्फ इंटरेस्ट मतलब फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द ऑडिट क्लाइंट। कैसे बन सकता है फाइनेंशियल इंटरेस्ट? डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और कैसे बनता है फाइनेंशियल इंटरेस्ट? मैंने क्लाइंट से फीस लेनी है जो कि बहुत ज्यादा है, मेरी क्लाइंट की फीस कंटिजेंट है। और क्या तरीका था? सर मैंने क्लाइंट को लोन दे रखा है, क्लाइंट के साथ बिजनेस रिलेशन है, मैं क्लाइंट का एम्प्लॉय बनना चाहता हूं। दिस इज हाउ वील रिमेंबर दीज सिक्स पॉइंट्स। क्या आपको ये छह के छह पॉइंट्स क्लियर है? जल्दी से बताओ हाँ या ना? Quickly let me know, are these six points clear to all of you? Come on people, जल्दी से आंखें बंद करके ना एक बार recall भी कर लो, फटाफट आंखें बंद करके recall भी कर लो, दो मिनट तीन मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। आंखें बंद करो, recall करो और बताओ क्या ये बातें आपको समझी नहीं समझी, फटाफट बताओ। Very good, अब आ जाओ next topic पे जिसका नाम है self review threat। आई थिंक इसके नाम से ही आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी क्या थ्रेट कहना चाहता है। सेल्फ रिव्यू थ्रेट का मतलब है, इट इज एज गुड एज मैं आपको कह दूं, ऑडिट का पेपर लिखोगे भी आप और चेक भी आप करोगे। ऑडिट का पेपर लिखोगे भी आप, चेक भी आप करोगे, तो क्या आप चेकिंग इंडिपेंडेंटली कर पाओगे या कोई बायसनेस रहेगी? सोच के बताना। ऑडिट का पेपर लिखेंगे भी आप, चेक भी आप ही करेंगे, यानी सेल्फ रिव्यू, क्या आपको ये इंडिकेशन नहीं आ रही कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी मैंने बनाया, ऑडिट भी मैं ही कर रहा हूं? इनडायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी मैंने बनाया, ऑडिट भी मैं ही कर रहा हूं, तो क्या इंडिपेंडेंट रहूंगा क्या? या कोई इंसान अपनी चीजों में से कमियां निकालता है? कोई भी व्यक्ति अपनी चीजों में से कमियां निकालता है क्या? सर नहीं निकालता, कोई नहीं निकालता। तो जहां भी आप खुद की चीज बनाई हुई चीज चेक करोगे, खुद की बनाई हुई कोई भी चीज चेक करोगे, आप उसमें बायस रहोगे, चाहे वो घर पे खाना बनाना क्यों ना हो। मैंने एक दिन रोटी भिंडी बनाई, ठीक है, दिख रही थी खराब बनी है, खा के जो स्वाद आया ना मुझे कभी कोई स्वाद आया ही नहीं। वो मैंने कहा तो बेस्ट बनी है, ठीक है, भली कितनी खराब बनी हो पर मैं तो बड़ी अच्छी पसंद आई। मैंने तो चार रोटी खाऊंगा इसके साथ। तो जब इंसान कोई खुद चीज बनाता है उसमें बायसनेस आ जाती है, एंड सेल्फ रिव्यू थ्रेट का मतलब यही है, खुद की बनाई चीज को चेक करने के थ्रेट को बोलते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेट। ये कब होता है? व्हेन यू रिव्यू अ जजमेंट और कंक्लूजन रीच्ड इन अ प्रीवियस ऑडिट और नॉन ऑडिट एंगेजमेंट। यानी आपने वही चीज को रिव्यू कर रहे हो, जजमेंट और कंक्लूजन जो आप पहले रीच कर चुके हो। सर नॉन ऑडिट का क्या मतलब होता है? नॉन ऑडिट सर्विसेज मींस द सर्विसेज अदर देन द ऑडिट और रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने यही बात मैंने आपको समझाई थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट भी होता है, लिमिटेड रिव्यू भी होता है, ये दोनों ऑडिट सर्विसेज मानी जाती है। नॉन ऑडिट सर्विसेज में क्या आती है? मैनेजमेंट सर्विसेज। अगर मैं मैनेजमेंट को कंसल्टेंसी दे रहा हूं कि आप अपने बिजनेस को ऐसे बढ़ाओ, आप अपनी कॉस्ट को ऐसे ऑप्टिमाइज करो, आप अपने रेवेन्यू को ऐसे बढ़ा सकते हो, तो दिस इज नॉट एन ऑडिट सर्विस। मैं कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर नहीं रहा। प्लस अगर मैं इंटरनल ऑडिट कर रहा हूं, इंटरनल ऑडिट यानी जो मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल्स डाल रखे हैं कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बननी चाहिए, अगर कोई ऑर्डर देना है मुझे बाहर किसी वेंडर को तो अप्रूवल चाहिए होता है उस चीज के लिए, तो ये जो इंटरनल कंट्रोल्स की टेस्टिंग होती है इंटरनल ऑडिटर करता है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, आपके पास एज अ मैनेजमेंट 100 करोड़ रुपए पड़े हैं,
आपको उसको अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना है, उसकी अगर मैं एडवाइजरी दे रहा हूं तो क्या ये ऑडिट है? द आंसर इज नो, दिस इज अ नॉन ऑडिट सर्विस। इसी तरह डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, अगर मैनेजमेंट का जो अकाउंटिंग सिस्टम है, टैली कोई यूज नहीं करता आज की डेट में, सब यूज करते हैं बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स, तो अगर वो सॉफ्टवेयर्स को मैंने ही डेवलप करवाया है एज एन ऑडिटर, तो आप एक बात बताओ, जब मैं इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग करने जाऊंगा, उसमें जब मैं इंफॉर्मेशन सिस्टम की टेस्टिंग करूंगा, क्या इसमें बायसनेस आ जाएगी, हाँ या ना? सच्ची सच्ची बताना, जिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम से इनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनते हैं, अगर वो मैंने ही डिजाइन करा है, मैंने ही इंप्लीमेंट करा है, नॉन ऑडिट सर्विस दी है, क्या मैं ऑडिट करते वक्त इस चीज को लेके बायस हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगा? सच्ची सच्ची बताना, हाँ या ना? क्या आपको ये फीलिंग आ रही है कि इस एरिया में भी बायसनेस आ सकती है? व्हाट डू यू फील? यस सर, इस चीज में बायसनेस आ सकती है, एंड इन्हीं चीजों को हमने सेक्शन 144 में प्रोहिबिट कर रखा है। जब आप मेरे साथ सेक्शन 144 पढ़ेंगे, कंपनीज एक्ट 2013 का ब्रैकेट में लिख दो यहां पे, जब आप मेरे साथ सेक्शन 144 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ेंगे, उसमें मैं बोलूंगा एक ऑडिटर ये सारी सर्विसेज कंपनी को दे ही नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ जाएगा। तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट से बचने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 में प्रोविजन डाला गया, सेक्शन 144 कंपनीज एक्ट 2013 में, कि ये सारी सर्विसेज अब प्रोहिबिटेड है, आप ये नहीं दे सकते। क्या आपने कंपनी लॉ में सेक्शन 144 पढ़ा है? मेरे हिसाब से शायद से इंटर में आ चुका है। कोई बच्चा है जिसको ऐसा कुछ याद आ रहा है कि सेक्शन 144 में ऑडिट एंड ऑडिटर्स में आपने कुछ इस तरह का पढ़ा हो कि आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम वाली सर्विसेज नहीं दे सकते, ठीक है, अकाउंटिंग एंड बुककीपिंग वाली सर्विसेज नहीं दे सकते, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज नहीं दे सकते, एक्चुअरियल सर्विसेज नहीं दे सकते, याद आ रहा है? इसी वजह से ये सेक्शन डाला गया है। अब आपको समझ आ गया, आई होप वो डॉट्स क्लियर हो गए, ठीक है। डिजाइन इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल नहीं कर सकते, बच्चा कह रहा है नॉन ऑफ सर्विसेज दे रखे, यस सर अब याद आ रहा है। तो ये रीजन है जिस वजह से ये सारी सर्विसेज डिसअलाउड है। संतुष्टि मिल गई? हाँ सर संतुष्टि मिल गई। दो ही एग्जांपल्स है, इसके ज्यादा एग्जांपल्स नहीं है। पहला एग्जांपल, जो ऑडिटर है वो कंपनी का डायरेक्टर और सीनियर ऑफिसर रह चुका है। तो जो बंदा कंपनी का डायरेक्टर और ऑफिसर रह चुका है पहले, अब अगर वो ऑडिटर बन जाएगा तो वो क्या कंपनी की गलतियां निकालेगा? द आंसर इज नो, कभी नहीं निकालेगा। दूसरी बात, ऑडिटर वही सर्विसेज परफॉर्म करता है विच आर सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ ऑडिट। सर सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट का क्या मतलब है? ध्यान से सुनो, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, डाउट आएगा तुमको। सर इस लाइन का क्या मतलब है कि ऑडिटर इज परफॉर्मिंग सर्विसेज दैट आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट, यानी इसी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं, इसी ने इंटरनल कंट्रोल्स बनाए हैं, यानी जिस चीज की चेकिंग करने ऑडिटर आया है वो बनाई भी ऑडिटर ने है। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट यानी जिस चीज का ऑडिट हो रहा है वो काम ऑडिटर ने ऑलरेडी कर रखा है, तो कोई बंदा अपनी गलतियां नहीं निकालेगा। तो दो पॉइंट्स बस आपने याद रखने हैं, ऑडिटर हैज बीन द डायरेक्टर और सीनियर ऑफिसर ऑफ द कंपनी, प्लस ऑडिटर हैज परफॉर्म दो सर्विसेज विच आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एंगेजमेंट। क्या आपको सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्लियर हुआ? क्या आपको इसमें संतुष्टि मिली? जल्दी से बताओ हाँ या ना। तो दो थ्रेट्स हो गए, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट विच वॉज अबाउट द फाइनेंशियल इंटरेस्ट। फाइनेंशियल इंटरेस्ट मीन्स फीस, कैश चाहिए, मुझे कैश चाहिए, तो फीस मिल जाती है, मैंने कहा हैवी डिपेंडेंस ऑन द फीस, प्लस हमारी फीस कंटिंजेंट है, बिजनेस रिलेशन है, एम्प्लॉई है, और क्या था, लोन दे रखा है मैंने क्लाइंट को। फिर हमने सेल्फ रिव्यू थ्रेट पढ़ा, जिसका मतलब है रिव्यू ऑफ अ जजमेंट और कंक्लूजन रीच्ड एज अ पार्ट ऑफ ऑडिट और नॉन ऑडिट एंगेजमेंट। नॉन ऑडिट एंगेजमेंट हमने पूरा डिस्कस किया, जिस जिसने सेक्शन 144 पढ़ रखा था उसको पुरानी यादें भी ताजा हो गई। और दो एग्जांपल्स हमने पढ़ लिए, ऑडिटर हैज बीन द डायरेक्टर और सीनियर ऑफिसर ऑफ द कंपनी, या फिर ऑडिटर हैज एक्चुअली परफॉर्म सर्विसेज विच आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, जिसका ऑडिट हम करने आए हैं। क्विकली रीड थ्रू इट एंड मुझे कंफर्म करो क्या ये बातें क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी से देखो और बताओ। अतुल यस, जो सर्विसेज स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड है सेक्शन 144 में, हम वो कंपनी को वो सर्विसेज नहीं दे सकते, यही बात आपने ध्यान रखनी है। तभी मैं कहता हूं ऑडिट हमेशा तब पढ़ना चाहिए जब सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हो, क्योंकि आपका अकाउंट्स भी आएगा, इसमें लॉ भी आएगा, सारी चीजें हम चेक करके चलेंगे। बढ़े आगे, जल्दी से बताओ, किसी के लिए वेट करना है क्या? डू वी नीड टू वेट फॉर समवन? करना है वेट तो बताओ,
हम ग्रुप स्टडी ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। कम ऑन पीपल, लेट मी नो। डू वी नीड टू वेट फॉर समवन? अब कोई लिख नहीं रहा, वेट करना है तो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? ऐसा मान लें कोई कुछ नहीं लिख रहा, यस सर वेट करना है, नहीं करना, बढ़े आगे, बढ़ो सर, चलो डन। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एडवोकेसी थ्रेट्स, प्लीज प्रोसीड, वेरी वेरी गुड। तो एडवोकेसी थ्रेट जैसा नाम दिखा रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप क्लाइंट के एक तरह से एडवोकेट बन गए। क्या बन गए आप? क्लाइंट के एडवोकेट बन गए, यानी अब आप क्लाइंट को इतना ज्यादा प्रमोट कर रहे हो, आप क्लाइंट के इंटरेस्ट को इतना प्रमोट कर रहे हो कि आप उसके एडवोकेट बन गए। मुझे एक बात बताओ, अगर आप क्लाइंट के इंटरेस्ट को हद से ज्यादा प्रमोट करोगे, अगर आप क्लाइंट के इंटरेस्ट को हद से ज्यादा प्रमोट करोगे, क्या मैं कह सकता हूं आप इंडिपेंडेंट हो? क्या मैं बोल सकता हूं आप इंडिपेंडेंट हो? द आंसर इज नो सर, आप नहीं बोल सकते, क्योंकि अब आपका रिश्ता एक ऑडिटर से ज्यादा हो गया है। अब आप क्लाइंट के ऑडिटर नहीं, अब आप एडवोकेट वाली फील दे रहे हो। सो एडवोकेसी थ्रेट्स अकर व्हेन द क्लाइंट, व्हेन द ऑडिटर प्रमोट्स और इज परसीव टू प्रमोट, या तो वो प्रमोट कर रहा है या हमको फील आ रही है, या हमको फील आ रही है कि वो प्रमोट कर रहा है, क्लाइंट के ओपिनियन को इस कदर टू अ पॉइंट, मतलब का क्या मतलब है, इस कदर प्रमोट कर रहा है वेयर पीपल में बिलीव दैट द ऑब्जेक्टिविटी इज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज। सर ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब होता है? एन एटीट्यूड विच इज फ्री ऑफ बायस, जिसमें कोई बायसनेस नहीं होती, उसको ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं। और अगर आपकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, ऑब्जेक्टिविटी की धज्जियां उड़ रही हैं, तो इसका मतलब एडवोकेसी थ्रेट है। सो इफ यू आर प्रमोटिंग द क्लाइंट्स इंटरेस्ट और इट इज परसीव्ड, सिर्फ प्रमोट नहीं, अगर परसीव भी हो रहा है, हमको फील आ रही है कि आप प्रमोट कर रहे हो क्लाइंट के इंटरेस्ट को टू अ पॉइंट दैट योर ऑब्जेक्टिविटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, तो इसको एडवोकेसी थ्रेट बोलेंगे। एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल तो ऑब्वियस है, दैट इज एक्टिंग एज एन एडवोकेट ऑफ द क्लाइंट। अगर आप क्लाइंट के एडवोकेट बन जाते हो, लिटिगेशन, लिटिगेशन का क्या मतलब होता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिल रही है, मलॉट नहीं मिल रहा है तो इंसाफ। तो अगर आप क्लाइंट के एडवोकेट बन जाते हो या थर्ड पार्टी डिस्प्यूट्स में चले जाते हो, तो आपका यह एडवोकेसी थ्रेट है। दूसरा थ्रेट का क्या मतलब है, आप क्लाइंट के शेयर्स को प्रमोट कर रहे हो, आप बोल रहे हो शेयर ले लो, रिलायंस के शेयर ले लो। अरे कौन सा ऑडिटर होता है जो रिलायंस के शेयर बेचने निकलता है? कोई होता है क्या ऐसा ऑडिटर? सो इफ यू आर डीलिंग इन द शेयर्स एंड सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, इफ यू आर प्रमोटिंग द शेयर्स एंड सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, देन माय फ्रेंड यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर ऑब्जेक्टिविटी। यहां पे भी एडवोकेसी थ्रेट आ जाएगा। तो एडवोकेसी थ्रेट के दो चीजें हैं, आपने ध्यान रखना है, डीलिंग इन द शेयर्स एंड सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, एंड द दूसरा पॉइंट इज एक्टिंग एज एन एडवोकेट ऑफ द क्लाइंट इन द लिटिगेशंस और थर्ड पार्टी जो भी दिक्कतें होती हैं, जिसको हम बोलते हैं डी से दिक्कत, डी से डिस्प्यूट, ठीक है जी। तो ये हो गए आपके तीन थ्रेट्स। पहला थ्रेट क्या था? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। इस सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में क्या आते थे सर? फाइनेंशियल इंटरेस्ट आते थे, डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता था। और बताओ इंटरेस्ट, फाइनेंशियल इंटरेस्ट क्या क्या होते थे, एक बार बताओ जरा चैट बॉक्स पे, जल्दी से बताओ चैट बॉक्स पे, फटाफट बताओ, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट? चीटिंग नहीं करेगा कोई बच्चा, कोई बच्चा चीटिंग नहीं करेगा, सोच के बताओ व्हाट वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट। अगर बता दिया ना तो फिर देखो क्या कॉन्फिडेंस आता है। लोन, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया सृष्टि, छा गए तुसी। बिजनेस रिलेशन और बताओ, फीस, बहुत बढ़िया, एम्प्लॉयमेंट, कंटिंजेंट फीस, लोन, यही सारी बातें आपने ध्यान में रखनी थी। एंड जब बात करी मैंने सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के बाद, किसकी बात करी सर? सेल्फ 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 रिव्यू थ्रेट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट में हम क्या करते हैं, हम ऑडिट या नॉन ऑडिट सर्विसेज दे चुके हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, ध्यान से समझना, हम रिव्यू कर रहे हैं ऑफ अ जजमेंट और कंक्लूजन ऑलरेडी रीच्ड एज अ पार्ट ऑफ ऑडिट और नॉन ऑडिट अश्योरेंस एंगेजमेंट। इसमें सेक्शन 144 की हमने रेफरेंस भी पढ़ी, प्लस हमको पता चला दो एग्जाम्पल्स के बारे में। सर दो एग्जाम्पल्स क्या थे? मैं क्लाइंट का डायरेक्टर या सीनियर ऑफिसर रह चुका हूं, या फिर
या फिर क्या था सर, ऑडिटर वो सर्विस परफॉर्म कर रहा है जिसका सब्जेक्ट मैटर ही ऑडिट है, यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मैं ऑडिट कर रहा हूँ उनको मैंने ही बनाया है, जिन इंटरनल कंट्रोल्स को मैं चेक कर रहा हूँ वो मैंने ही बनाया है। सो यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म सर्विसेज विच आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट। एंड एडवोकेसी थ्रेड का क्या मतलब है, प्रमोटिंग द इंटरेस्ट, और इट इज परसीव्ड दैट यू आर प्रमोटिंग एन इंटरेस्ट टू अ पॉइंट, इस कदर आप प्रमोट कर रहे हो दैट योर ऑब्जेक्टिविटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। क्या कॉम्प्रोमाइज हो गया जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, क्या कॉम्प्रोमाइज हो गया सर? ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। इसके दो एग्जांपल बताना, एडवोकेसी थ्रेड का पहला एग्जांपल जो बहुत ऑब्वियस है वो एडवोकेट है, दूसरा रिलायंस के शेयर ले लो, यानी यू आर डीलिंग इन द सिक्योरिटीज और द शेयर्स ऑफ द कंपनी, राइट? क्या तीनों तरह के थ्रेड्स क्लियर है, फटाफट बताओ हाँ या ना? आर दीज थ्री थ्रेड्स क्लियर? बिकॉज इसके पास दो थ्रेड है और हमारा थ्रेड वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, फटाफट बताओ। Clear is, sir. Now let's move to the next topic, जिसका नाम है familiarity threat. नाम से पता चल रहा है, अब हम क्लाइंट के ऑडिटर नहीं रिश्तेदार हो गए हैं, यानी when the auditor forms relationship, रिश्ता मतलब relationship with the client, लिख लो ये रिश्ता क्या कहलाता है। When the auditor forms relationship with the client where they end up being too sympathetic to the client interest, yani client ko leke aise sympathy aa gayi, oh ho ho mere babu shona ko loss ho gaya, profit dikha dete hain, are bhai sahab nalayak ho gaya, kaise auditor ho tum, tumko objectivity rakhni hai, tumko independence rakhna hai, tum client ko leke sympathetic nahi ho sakte, be an auditor, be professional skepticism wala auditor, attitude rakho, questioning mind, theek hai, alert, क्रिटिकल असेसमेंट, ये सब करना है तुमको। क्या कर रहे हो तुम, सिंपैथेटिक हो रहे हो, सिंपैथेटिक नहीं होना, रिश्ता नहीं बनाना क्लाइंट के साथ। सर कब हो सकता है रिश्ते वाला थ्रेट, अगर हमारा कोई क्लोज रिलेटिव, ऑडिट टीम का क्लोज रिलेटिव क्लाइंट में सीनियर पोजीशन में है, या फिर हमारा जो फॉर्मर पार्टनर है, पुराना पार्टनर, वो अब कंपनी का डायरेक्टर या सीनियर एम्प्लॉय बन गया है, या फिर हमारी क्लाइंट के साथ इतनी ज्यादा लॉन्ग एसोसिएशन हो गई है कि अब वो हमारे फैमिली जैसे ही हो गए हैं, एंड द लास्ट पॉइंट इज आए दिन वो हमको इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स और हॉस्पिटैलिटी देते रहते हैं। सर हॉस्पिटैलिटी का क्या मतलब है, उन्होंने बोला क्लाइंट वालों ने, हे ऑडिटर अब तुम बड़े थक गए होगे, ध्यान से समझना हॉस्पिटैलिटी का मतलब, हे ऑडिटर अब तुम बड़े थक गए होगे, ऐसा करो जाके तुम कहां घूमने भेजे, बताओ ऑडिटर को कहां घूमने भेजे, ऐसा करो तुम स्विट्जरलैंड घूम के आ जाओ, ठीक है? हमने ऑडिटर को फिर बोला तुम जाके स्विट्जरलैंड घूम के आ जाओ। अब बताओ क्या जिस ऑडिटर को क्लाइंट स्विट्जरलैंड भेजेगा वो ऑडिटर उसकी गलतियां निकालेगा क्या? ऐसा नहीं फील आ रही है, तो फैमिली वाली रिलेशनशिप हो गई है, तो फैमिली वाले भी नहीं भेजते एक दूसरे को, ये तो क्लाइंट भेज रहा है हॉस्पिटैलिटी देके, ठीक है? तो अगर आप गिफ्ट्स और हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट कर रहे हो फ्रॉम द क्लाइंट या उनके डायरेक्टर या उनके एम्प्लॉइज, अगेन दिस इज अ फैमिलियरिटी थ्रेट। तो सर चार पॉइंट्स कैसे याद रखेंगे फैमिलियरिटी थ्रेट का, सबसे पहला पॉइंट तो रिलेटिव ही है, आपका कोई क्लोज रिलेटिव क्लाइंट का मेंबर है, दूसरा पॉइंट वो हमारा रिलेटिव नहीं है बट हमने इतना समय साथ बिताया है, फिर से बोलना मेरे साथ, वो हमारा रिलेटिव नहीं है बट हमने इतना समय साथ बिताया है कि अब वो रिलेटिव जैसा है, यानी लॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन द ऑडिटर एंड द क्लाइंट। एंड तीसरा पॉइंट, जैसे रिलेटिव एक दूसरे को गिफ्ट और हॉस्पिटैलिटी देते, क्लाइंट भी हमको गिफ्ट और हॉस्पिटैलिटी देता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज, हमारा पुराना पार्टनर अब क्लाइंट का डायरेक्टर बन चुका है, तो एक तरह से वो रिश्ता इनडायरेक्टली हमारा बन चुका है। तो चार तरीके, चार पॉइंट्स क्या हो गए जल्दी से बताओ, फटाफट सारे बच्चे मुझे चार पॉइंट्स बताएंगे। हमारा रिलेटिव क्लाइंट का ऑफिसर या डायरेक्टर बन गया, मैंने कहा वेरी वेरी गुड। रिश्ता नहीं है बट इतना समय साथ बिताया, लॉन्ग एसोसिएशन है बिटवीन द ऑडिटर एंड क्लाइंट की, वो हमारी फैमिलियरिटी थ्रेट क्यों आ गया? वो हमको गिफ्ट्स देते, वो हमको हॉस्पिटैलिटी देते, तो रिश्तेदारी है। एंड इनडायरेक्ट रिश्ता क्या था जल्दी से बताओ, लास्ट पॉइंट क्या था, इनडायरेक्ट रिश्ते का क्या मतलब था? सर इनडायरेक्ट रिश्ते का ये मतलब है, क्या मतलब है, हमारा पार्टनर अब उनका डायरेक्टर और ऑफिसर बन गया है, तो आप अपने पुराने पार्टनर की तो गलतियां नहीं निकालोगे, तो इनडायरेक्ट रिश्ते को भी याद रखना। दीज आर द फोर पॉइंट्स ऑफ फैमिलियरिटी थ्रेट। कम ऑन गाइस, क्या ये चारों बातें क्लियर है? सर एक बच्चा बोल रहा है रिलेटिव की डेफिनेशन बताओ, कोई रिलेटिव की डेफिनेशन नहीं दे रखी, ठीक है? चाचा, बुआ, ताऊ जी, फूफा जी, बहन, भाई, सब रिलेटिव्स में तुम्हारे आई जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर जजमेंट, ठीक है? तुम्हारे जजमेंट वाली बात, तुम किसको अपना रिलेटिव मान के चलते हो। बाकी कंपनीज एक्ट में जब हम रिलेटिव वाली बातें पढ़ेंगे, तो कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन होता है
टू सबसेक्शन 77, वहां पे रिलेटिव की डेफिनेशन दे रखी है। जब भी कंपनीज एक्ट में रिलेटिव की बात होगी तो इस रिलेटिव की बात होगी जो यहां पे आएगा। ठीक है, हमारा आदमी धोखा दे गया हमें। हाँ, अब हमारा पार्टनर उनका डायरेक्टर बन गया, धोखा कहां दिया। ठीक है, अब वो वहां का पार्ट बन गया, बट इनडायरेक्टली उनकी गलतियां निकालना आसान नहीं होगा। राइट, क्विकली गो थ्रू दीज पॉइंट्स एंड लेट मी नो आर यू डन डन आर डन डन। हो गए हैं चार पॉइंट्स तुम्हारे दिमाग में बैठ गए, बिकॉज पॉइंट क्या ना, जैसा थ्रेट वैसे एग्जाम्पल्स। तो फेमिलियरिटी थ्रेट में तुमको सबसे पहले रिलेटिव के बारे में सोचना है कि हमारा रिलेटिव क्लाइंट का बंदा हो गया है। ओह, बट रिलेटिव नहीं है, उसके साथ हमने काफी समय बिताया, दैट इज अ लॉन्ग एसोसिएशन, गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी, एंड द लास्ट पॉइंट इज इनडायरेक्ट रिलेशन, दैट इज द फॉर्मर पार्टनर ऑफ ऑडिट हैज बिकम द डायरेक्टर और सीनियर ऑफिसर ऑफ द क्लाइंट। क्या लगता है ये चार नंबर का क्वेश्चन नहीं आ सकता क्या? डेफिनेटली आ सकता है। फेमिलियरिटी थ्रेट के चार एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जा सकते हैं, आप रॉक स्टार बन के निकलोगे अगर आपने चारों बातें बता दी। Quickly do this and let me know. फटाफट बताओ। Very good, Minkal जी, बहुत बढ़िया। पानी वानी पी लो यार, तुम भी बहुत ज्यादा थक जाते होगे, इतनी मेहनत कर रहे हो। ठीक है, इतनी मेहनत मशक्कत कर रहे हो, इतनी दिल से तुम पढ़ाई कर रहे हो, पानी वानी पीते रहा करो। ठीक है, Keep your body recharged. That is very important. Oh my God! So last threat reh gaya. Dun 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 dun. Very very good. Last threat reh gaya. That is the intimidation threat. Sir, क्या intimidation threat के बाद सारे threats खत्म? हाँ हाँ, सारे threats खत्म। क्या इंटीमिडेशन थ्रेट के बाद हम क्या पढ़ेंगे? मैंने कहा सेफ गार्ड्स टू इंडिपेंडेंस, यानी थ्रेट्स तो हैं हमारे पास, इनके सेफ गार्ड्स भी हैं। सर क्या इसके बाद आप हमको छुट्टी दे दोगे? द आंसर इज यस, इसके बाद मैं आपको छुट्टी दे दूंगा, फिर हमारी आज की क्लास एकदम डंडना डंडन हो जाएगी। क्या सारे बच्चे मेरे साथ रेडी हैं? नेक्स्ट बस आप मेरे को थोड़ा सा टाइम और दे दो, थ्रेट लास्ट कवर ये करेंगे, फिर सेफ गार्ड्स पढ़ेंगे, एंड देन वील बी डंडना डंडन विद टुडे, एंड एक क्विक रिविजन मार लेंगे जो भी हमने डिस्कस किया है। Are you all ready? Yes, sir, we are ready. फटाफट शुरू करते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। Intimidation threat का क्या मतलब है? Intimidate करना यानी किसी को डराना, धमकाना, uncomfortable करना। ध्यान से समझना मेरी बात। Intimidation threat का क्या मतलब है? Intimidate करना यानी किसी को डराना, धमकाना, uncomfortable feel कराना। इसको बोलते हैं intimidation threat. These threats occur when the auditors are deterred. Oh my God, sir, कैसे भारी भारी words लिखता है ना इसे। डेटर्ड का क्या मतलब है? ऑडिटर को डराया जा रहा है, ऑडिटर को धमकाया जा रहा है। ओहो, कितना गलत हो रहा है ना बेचारे के पास। ही इज डेटर्ड, उसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली, उसको रोका जा रहा है डरा धमका के कि तुम ऑब्जेक्टिवली एक्ट मत करो, हमारे हिसाब से चलो, विद एन एडिक्वेट डिग्री ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। उससे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म नहीं हो रहा। तो अगर ऑडिटर के ऊपर ये चार चीजें लगा दी जाएंगी, सॉरी तीन चीजें लगा दी जाएंगी, तो ऑडिटर कभी भी ऑब्जेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा। सर एग्जांपल देके बताओ। पहली चीज है, थ्रेट दिया जा रहा है कि हम आपको रिप्लेस कर देंगे अगर आपने डिसएग्री किया विद द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। यानी मैनेजमेंट कह रहा है जैसे हमने अकाउंट्स बनाए ऑडिटर साहब आप वैसे के वैसे एक्सेप्ट करो, नहीं करोगे तो पतली गली से निकल लो। सो इफ अ थ्रेट इज क्रिएटेड फॉर रिप्लेसिंग द ऑडिटर, ऑडिटर विल Have to agree with the management. इसके बारे में Companies Act में भी बहुत सारी बातें लिख रखी हैं। Auditor को हटाना इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, Companies Act को इन्हीं बातों को ध्यान में रख के बनाया गया है कि जब भी आपको Auditor को निकालना होगा, सिर्फ बोर्ड की नहीं चलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल भी लेना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास कराना पड़ेगा, ऐसे ऑडिटर को नहीं निकाला जा सकता। बट ये थ्रेट था इसलिए हमने डिस्कस कर लिया। कुछ बच्चों को याद आ रहा होगा सेक्शन 140 में उन्होंने ये बात पढ़ी है। ठीक है, नहीं भी पढ़ी तो हम फिर पढ़ेंगे, रिपीटेशन करा दूंगा तुम्हारी। सर अगली चीज बताओ, प्रेशर। किस चीज का प्रेशर? टू डिसप्रोपोर्शनेटली रिड्यूस द वर्क इन प्रोग्रेस टू रिड्यूस्ड ऑडिट फीस। यानी वर्क इन प्रोग्रेस नहीं, वर्क इन रिस्पॉन्स। सो बेसिकली उसको क्या बोला जा रहा है कि हम तुमको कम फीस देंगे। अब जिसको कम फीस मिल रही है वो काम भी कम करेगा, तो एक तरह से आप उस पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हो कि तू ज्यादा काम मत कर क्योंकि हम तुमको फीस भी कम देने वाले हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज थ्रेटनिंग विद लिटिगेशन। अगर एज एन ऑडिटर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम आप पे केस कर देंगे। ये बात इतने प्यार से नहीं बोली जाती, वो बोली जाती है ऑडिटर अगर तूने मेरी बात नहीं मानी
तो मैं तेरे ऊपर केस कर दूंगा। और हमने कैसे बोला, हे ऑडिटर अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम आप पे केस कर देंगे। तो यही तीन बातें आपने ध्यान रखनी है सर। इसको याद रखना भी बहुत आसान है। किसी पे भी थ्रेट क्रिएट करोगे, किसी पे भी थ्रेट क्रिएट करोगे लिटिगेशन का, तो वो बंदा प्रेशर में आ जाएगा। फिर से बोलो मेरे साथ, किसी पे भी थ्रेट क्रिएट करोगे लिटिगेशन का, तो वो बंदा प्रेशर में आ जाएगा। इन तीन पॉइंट्स को बस ध्यान में रखना सर। थ्रेट किस चीज का था, उसको रिप्लेस करने का। प्रेशर किस चीज का था, कि वो मैनेजमेंट के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से एग्री करे। एंड अगला लास्ट पॉइंट क्या था, थ्रेटन्ड विद लिटिगेशन। तो अगर आप थ्रेट क्रिएट करोगे लिटिगेशन का, तो इंसान प्रेशर में आ जाएगा। क्या इंटीमिडेशन थ्रेट क्लियर है? हाँ सर, इंटीमिडेशन थ्रेट क्लियर है। इट इज अ थ्रेट वेयर द ऑडिटर इज डेटर्ड, डी फॉर डेटर्ड, डेटर यानी उसको रोका जा रहा है, उसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। From acting objectively and exercising professional skepticism, तीन तरीके क्या है? Threat create किया litigation का, जिससे वो pressure में आ गया। Sir, threat क्या था? Threat of replacing the auditor, हम तुमको निकाल देंगे। फिर क्या था सर, उस पर pressure आ गया। Pressure किस चीज का आया? Threat create किया किस चीज का? Litigation का। Litigation का क्या point था? कि उसको हमने थ्रेटन किया विद लिटिगेशन। एंड अगेन उस पे प्रेशर किस चीज का, कि वो मैनेजमेंट के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स के साथ एग्री करे। जैसे मैनेजमेंट कह रहे अकाउंट्स बनते हैं, वैसे ही ऑडिटर ये बात मान जाए। Such threats are attempted to intimidate auditors to deter them from acting objectively. नलायकों ने same to same बात यहाँ पे फिर से लिख दी। पर ठीक है, लिख दी तो लिख दी, हमको तो ऑलरेडी पता ही है, डेटर वाला वर्ड हमको दिमाग में बैठ गया है। क्या इंटीमिडेशन थ्रेट समझ के मजा आया? फटाफट बताओ हाँ या ना। इज इंटीमिडेशन थ्रेट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक बार आंखें बंद करके रिकॉल भी कर लो, कहीं ना कहीं सारे कीवर्ड तुम्हारे दिमाग में फ्लैश कर जाएंगे और तुम लिख लोगे आंसर, मुझे पूरा विश्वास है। फटाफट बताओ यस और नो, कम ऑन। यस सर, हमको समझ आ गया। सर एक बात बताओ, क्या आपको एक तरीका चाहिए जिससे आपको सारे थ्रेट्स याद रह जाए? हाँ सर, एक तरीका चाहिए, मैं आपको बताता हूं क्या तरीका है। एक ना ड्रिंक आती है सर, इस ड्रिंक का नाम क्या है? इस ड्रिंक का नाम है साफी। इससे क्या होता है, जनरली इस ड्रिंक को वो लोग लेते हैं जिनको थोड़ा सा ना कुछ इश्यूज होते हैं बॉडी में, तो बॉडी में जो भी थ्रेट्स होते हैं उसको डील करने के लिए साफी ली जाती है। तो आप साफी से सारे थ्रेट्स याद रख सकते हो। सर साफी का क्या मतलब है? सबसे पहले होता है एस फॉर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, ओ माय गॉड। अगला एस क्या होता है? सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स, ओ माय गॉड। ए का क्या मतलब है? एडवोकेसी थ्रेट, ओ। एफ का क्या मतलब है? फेमिलियरिटी थ्रेट। एंड आई का मतलब है इंटीमिडेशन थ्रेट। अब आपको नोट्स की जरूरत नहीं है, जब भी खाली बैठे हो सारे थ्रेट्स एक साथ रिवाइज कर लो, उनके एग्जांपल्स याद करो, कम से कम पांच में से तीन एग्जांपल तो दिमाग में आएंगे। जो दो नहीं आएंगे उनको देख के वापस रिवाइज कर लेना, तो हमेशा पांचों एग्जांपल दिमाग में आएंगे। एंड दैट्स ऑल आई वांट फ्रॉम यू, ठीक है? आधे केसेस में तो दो एग्जांपल है, वो दो एग्जांपल तुम्हारे दिमाग में मैंने डाल दिए, ठीक है? अब तुमको दिक्कत की जरूरत नहीं है। सर सेफगार्ड्स टू इंडिपेंडेंस बता दो, साफी नहीं लगाने पर बीवी की थ्रेट, वेरी वेरी गुड। अब आ जाओ सर, सेफगार्ड्स टू इंडिपेंडेंस। हमको इंडिपेंडेंस अगर रखनी है तो क्या करना पड़ेगा, एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। फॉलोइंग आर द गाइडेंस प्रिंसिपल्स इन दिस रिगार्ड, कैसे आप सेफगार्ड रख सकते हो। फॉर द पब्लिक टू हैव कॉन्फिडेंस इन द क्वालिटी ऑफ ऑडिट, इट इज एसेंशियल कि ऑडिटर हमेशा इंडिपेंडेंट रहे ऑफ द एंटिटीज दे आर ऑडिटिंग। तो सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंट रहना पड़ेगा। इन केस ऑफ ऑडिट की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर इंटीग्रिटी, objectivity, professional skepticism, which are necessarily required before the auditor to be independent. इसने कहा auditor को अगर independent रहना है तो उसके अंदर integrity होनी चाहिए। Integrity का क्या मतलब है? He should be honest. He should be sincere. ठीक है? Objectivity मतलब free from bias. उसके अंदर कोई भी bias नहीं होनी चाहिए। IO, professional skepticism. तो ऐसे याद कर लो इसको, IO प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, आईओ उसके अंदर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होना चाहिए। सर आईओ का क्या मतलब है? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। तो इंडिपेंडेंट रहने के लिए उसको एक चाबी चाहिए, ऐसे याद करते हैं। इंडिपेंडेंट रखने के लिए उसको एक चाबी चाहिए। सर चाबी का क्या मतलब है? की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है? आईओ ऑडिटर में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होना चाहिए। सर आईओ का क्या मतलब है? सारे बच्चे मेरे साथ रिपीट करेंगे, आई का क्या मतलब है? इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी यानी ही शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ही शुड बी ऑनेस्ट, ही शुड बी सिंसियर। एंड ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब है? फ्री फ्रॉम एनी बायस। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होना चाहिए, सो दैट ही कैन बी इंडिपेंडेंट। बट
चेक करना जरूरी है बिफोर टेकिंग एनी वर्क। तो इससे पहले कि आप कोई भी चीज चेक करो, कोई भी काम एक्सेप्ट करो, चेक कर लेना कि उसमें कहीं थ्रेट तो नहीं है। और अगर थ्रेट है, रिलेटेड पॉइंट है, ध्यान से देखना, और अगर थ्रेट है तो आप वो टास्क नहीं लोगे या फिर सेफगार्ड्स प्लेस करोगे। और अगर आप सेफगार्ड प्लेस नहीं कर पा रहे, देखना क्या मस्त तरीके से तीनों पॉइंट कवर करें। कोई भी काम एक्सेप्ट करो, उससे पहले देखना थ्रेट ना हो। अगर थ्रेट है तो काम एक्सेप्ट मत करो या फिर सेफगार्ड डालो। और अगर सेफगार्ड भी नहीं डाल पा रहे, सो डोंट एक्सेप्ट द वर्क। तो यही आपने पांच पॉइंट ध्यान रखने हैं, सो दैट कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस बने। ऑडिटर कैसा हो? इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट के लिए उसको कैसे चाहिए सर? चाबी। चाबी में तीन क्वालिटीज क्या है? अयो, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। सर अयो का क्या मतलब है? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। एंड तीन बातें क्या है? कोई भी काम एक्सेप्ट करने से पहले देखो थ्रेट्स ना हो। अगर थ्रेट्स है तो काम एक्सेप्ट मत करो, जिसको कहते हैं डिजिस्ट फ्रॉम एक्सेप्टिंग द वर्क। और इंप्लीमेंट द सेफगार्ड्स, बट इफ यू कैनॉट पुट इन प्लेस द सेफगार्ड्स, देन व्हाट डू यू डू? यू डोंट एक्सेप्ट द ऑडिट वर्क। यही बात आपने ध्यान रखनी है कि ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। कैसे होगा? जब उसके पास चाबी होगी। सर चाबी का क्या मतलब है? अयो, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। जल्दी से बताओ अयो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का क्या मतलब है? फटाफट चैट बॉक्स ऑन फायर, जल्दी से बताओ। जो बच्चे घर पे बैठ के देख रहे हैं फटाफट अपनी नोटबुक में लिखो, कैसे मिलेगी इंडिपेंडेंस, क्या क्वालिटीज चाहिए इंडिपेंडेंस होने के लिए, फटाफट बताओ। कम ऑन पीपल, यू कैन डू इट। कम ऑन, कम ऑन। अयो का क्या मतलब है? इंटीग्रिटी, वेरी गुड। ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, बहुत बढ़िया। अतुल सृष्टि मिंकल, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। सर जो भी काम हम एक्सेप्ट करेंगे उससे पहले चेक करेंगे कि कहीं इसमें थ्रेट्स तो नहीं। सो बिफोर एक्सेप्टिंग एनी वर्क, चेक वेदर देयर आर एनी थ्रेट्स और नॉट। इफ देयर आर एनी थ्रेट्स, डिजिस्ट फ्रॉम एक्सेप्टिंग द टास्क और पुट इन प्लेस सेफगार्ड्स। बट इफ यू कैनॉट पुट क्रेडिबल और एडिक्वेट सेफगार्ड्स, आप सेफगार्ड्स नहीं लगा पा रहे, देन डोंट एक्सेप्ट द वर्क। तो आपने क्या करना है? बिफोर एक्सेप्टिंग चेक करना है कि कोई थ्रेट्स ना हो। इफ देयर आर थ्रेट्स, डिजिस्ट और पुट इन प्लेस सेफगार्ड्स। और सेफगार्ड्स नहीं लगा पा रहे, देन डोंट एक्सेप्ट द वर्क। डोंट एक्सेप्ट द वर्क। क्लियर है? जल्दी से बताओ हां या ना। क्या मैंने आपको कोई भी चीज का इसमें रट्टा लगवाया या लॉजिकल था? फटाफट बताओ, क्या ये लॉजिकल था या हमने रट्टा लगाया? जल्दी से बताओ। रट्टा तो नहीं लगाया ना, लॉजिकली एक फ्लो बनाया, एंड दैट्स ऑल दैट वी नीड टू डू। यही पॉइंट आपने इस तरह से याद। क्लियर है? लॉजिकल है सर। मेरा ना थोड़ा मन बदल गया है। सर मन बदल गया, मेरा ना छुट्टी देने का मन नहीं है, क्या बोलते हो? अभी तो कुछ हुआ ही नहीं यार, 37 मिनट्स हुए हैं, ये तो हमने फटाफट कर लिया। मेरा छुट्टी देने का मन नहीं है, क्या हम एक ऐसे स्टार्ट कर लें, ऐसे 210? जल्दी से बताओ। बहुत प्यारा ऐसे, बहुत इजी ऐसे है। मेरा मन नहीं है छुट्टी देने का। सर आगे करवा दो। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलेगा। क्योंकि मुझे था कि ये टाइम लेंगी चीजें, पर ये तो तुमने बड़ी जल्दी कर ली। गरिमा कह रही है सर रिवाइज कर लेता है। गरिमा रिवाइज में आखिरी में करवा दूंगा, डोंट वरी। तुम टेंशन मत लो रिवीजन की, तुमको सारी बातें याद आएंगी, सारी बातें रिवाइज करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी आगे बढ़ जाते हैं, बिकॉज पॉइंट क्या है ना, ये टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओ माय गॉड, क्या तुमको ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा हुआ लग रहा है? फटाफट बताओ देख के। जल्दी से सारे बच्चे इस टॉपिक को देखो, एक बार नजर मारो, क्या ऑलरेडी पढ़ा हुआ टॉपिक लग रहा है? क्या तुमको फ्लैशेस आ रहे हैं? थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ लग रहा होगा। जयश्री कह रही हाँ हाँ, इसी जीवन में पढ़ा है, इसी जिंदगी में। जल्दी से बताओ कहाँ पढ़ा है ये टॉपिक? हल्का हल्का सा पढ़ा लग रहा है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, कहाँ पढ़ा है ये? सबने बिल्कुल सही बताया सर, प्रिमाइस ऑफ ऑडिट में पढ़ा था, जिसमें हमने मैनेजमेंट और TCWG की रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी थी। तो शुरू करते हैं ऐसे के साथ। मुझे तुमको बस यही फील देनी थी कि हम आधा पेज तो ऑलरेडी पढ़ चुके, तो खत्म ही करेंगे। ध्यान से समझना क्या है ऐसे 210। ऐसे 210, एक बात बताओ, ऐसे 200 क्या था?
सारे बच्चे चैट बॉक्स में जल्दी से ऐसे 200 का पूरा नाम बताओ मुझे, जो बच्चे घर पे बैठे हैं ऐसे 200 का नाम सारे बच्चे अपने नोटबुक में लिखेंगे, नहीं याद आ रहा तो वापस रिवाइज करके पहले ऐसे का नाम याद करो, फिर आप वीडियो के साथ आगे बढ़ना। जो बच्चे अभी मेरे को देख रहे हैं लाइव, फटाफट बताओ मुझे चैट बॉक्स पे ऐसे 200 क्या है, पूरा नाम चाहिए मुझे, शॉर्ट फॉर्म नहीं, पूरा नाम, पूरा 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 नाम लिखो बैठ के, थोड़ी मेहनत करो। जब तक ऐसे का नाम याद नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुमको ऐसे का नाम लिख के ही एक नंबर मिल जाएगा सीधा सीधा, प्लस वन डायरेक्टली। पूरा नाम, वेरी गुड क्विर्की, कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट, चलो ठीक है अतुल, वेरी गुड, ऑफ ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसए, वेरी वेरी गुड, सबने बिल्कुल सही बताया। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, सर आपने तो बिल्कुल ही काम चोरी कर ली, आपने हमको का पूरा नाम बताओ और आपने खुद तो छोटा मोटा नाम लिख के आगे बढ़ गए, अब बढ़ गए तो बढ़ गए, ठीक है मेरी मर्जी, मैं टीचर हूं। अब आती है बात ऐसे 210 की, सर 210 क्या कहता है, मैंने आपको ऑडिट का ना एक प्रोसेस बताया था कि पहले क्लाइंट आएगा, हम क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट करेंगे, एग्रीमेंट करने से पहले हम चेक भी करेंगे कि क्लाइंट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, क्लाइंट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, वो हम ऐसे 220 में पढ़ेंगे, बट एग्रीमेंट की जब बात होगी वो होगी ऐसे 210 में। सर इसका क्या नाम है, इसका नाम है एग्रींग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, यानी बेसिकली अब हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, एग्रीमेंट यानी अब हम एग्री कर रहे हैं कि हमारे ऑडिट एंगेजमेंट की टर्म्स क्या होगी, किन शर्तों पे। टर्म्स का क्या मतलब होता है, वो बोलते हैं ना म्यूचुअल फंड के आखिरी में शर्तें लागू, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, शर्तें लागू, किन शर्तों पे हमारी ऑडिट एंगेजमेंट होगी उसको अब हमको एग्री करना पड़ेगा। सर याद कैसे रहेगा, आप इसको ऐसे याद रखो, ये 2I0 है एंड आई फॉर एंगेजमेंट, सारे बच्चे बताओ आई फॉर एंगेजमेंट, सर ये क्या वाहियात तरीका है, अब यही तरीका है मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है। तो इस तरह से तुम याद रखोगे कि 210 का वन आई नहीं है, वन नहीं है, आई है, एंड आई फॉर एंगेजमेंट, तो तुमको हमेशा याद रहेगा जब भी ऑडिट एंगेजमेंट होगी उसकी जो टर्म्स रिकॉर्ड होंगी वो ऐसे 210 में ही रिकॉर्ड होंगी। सर पहला टॉपिक क्या है, इसका पहला टॉपिक है प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट, हमारा ऑडिट हम एक्सेप्ट करें, हम एग्रीमेंट करें एज एन ऑडिटर, उससे पहले हमारी क्या शर्तें हैं वो हमको यहां पे देखनी है। सबसे पहली बात, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यानी जिस बुनियाद पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जा रहे हैं, जिस बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जा रहे हैं वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यानी अगर कंपनी पे इंड एएस लगते हैं तो कंपनी एएस के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो नहीं बना रही, ये बात आपने चेक करनी है। दूसरा, क्या मैनेजमेंट जानती है और मानती है, यानी मैनेजमेंट अंडरस्टैंड्स एंड एक्नॉलेजेस इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की, ऑलरेडी वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लास, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द एफआरएफ, इंटरनल कंट्रोल का क्या मतलब था, डिजाइन इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन सके फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एंड प्रोवाइड द ऑडिटर विद आउ, सर आउ का क्या मतलब था, ऑल इंफॉर्मेशन, additional information and unrestricted access to the persons within the entity from whom the auditor determines it is necessary to obtain audit evidence. क्या मैं आपसे एक logical सवाल पूछूं? हाँ सर एक logical सवाल पूछो. Let's say FRF is not acceptable. मैंने आपको अभी कुछ पढ़ाया नहीं है but मैं आपसे logical सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे पता है इस बार मेरे पास एकदम शानदार बच्चे आ गए हैं. Should I accept the audit? जल्दी से बताओ. अगर FRF एक्सेप्टेबल नहीं है क्या मुझे ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जल्दी से बताओ. प्रसूक ने बिल्कुल सही बोला नो सर, जयश्री ने बोला नो, सृष्टि ने बोला नो, डोंट एक्सेप्ट, यही बात मेरे को आपसे समझनी थी कि हम ऐसा ऑडिट कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे जहां पे FRF ही अनएक्सेप्टेबल है. क्या प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट क्लियर है? हाँ सर प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट क्लियर है. सबसे पहले तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जिस बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने हैं वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए. दूसरा, मैनेजमेंट अंडरस्टैंड भी करती है, एक्नॉलेज भी करती है, वो समझती भी है और मानती भी है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, इंटरनल कंट्रोल रखना और ऑडिटर को प्रोवाइड करना विद आउ. सर आउ का क्या मतलब है, ऑल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस. क्या ये प्री कंडीशन फॉर ऑडिट क्लियर है? हाँ सर एकदम शानदार तरीके से क्लियर है. ये आपका RTP
मई 21 का सवाल खत्म हो जाता है। क्वेश्चन क्या था आरटीपी मई 21 में, वो आपको क्या करते हैं ना, मैं बताता हूं ऑडिट में सवाल कैसे बनते हैं। एक बड़ा सा पैराग्राफ देंगे और आखिरी में बोलेंगे व्हाट आर द प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट। क्या अब आप प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट लिख लोगे? जल्दी से सारे बच्चे कमिटमेंट करो, अगर प्री कंडीशन फॉर ऑडिट का सवाल आएगा तो हम चार में से चार, पांच में से पांच जरूर लेके आएंगे। क्या इसमें कोई दिक्कत है? क्या द आंसर इज नो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे बच्चे अभी के अभी मेरे साथ कमिटमेंट करेंगे। क्या ये कमिटमेंट है? जल्दी से बताओ हाँ या ना, फटाफट बताओ मुझे। All right, great, बहुत बढ़िया सर। अब आते हैं अगले सवाल पे, contents of the engagement letter। ये जो हम terms of audit engagement agree कर रहे हैं, ये जो हम terms of audit engagement agree कर रहे हैं, May 2017 का सवाल है, इसके अंदर content क्या क्या होगा ये हमको बताओ। तो देखना ध्यान से समझना, मैं आपको एक चार्ट बना के दिखाऊंगा। चार्ट अगर किसी ने समझ लिया, फ्लो समझ आ गया, ये आंसर भी एक केक वॉक बन जाएगा। ध्यान से समझना, कोई भी एग्रीमेंट होता है जिसको हम यहां पे ईएल बोल रहे हैं। सर ईएल का क्या मतलब है? एंगेजमेंट लेटर बोल लो या एग्रीमेंट बोल लो। उस एग्रीमेंट में क्या होता है? एग्जांपल के तौर पे मैंने एक एसी खरीदा, ठीक है, उस एसी के एग्रीमेंट में क्या लिखा होगा कि हम आपको एसी देंगे। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एसी वाली कंपनी की? वो मुझे एसी देगी, साथ में हो सकता है वो मुझे दो सर्विसेज और फ्री दे। तो क्या आपको लगता है जिसके साथ भी मैं एग्रीमेंट करता हूं, जिसको मैं पैसे दे रहा हूं, उस एग्रीमेंट में सबसे पहली चीज क्या लिखी होगी? उसमें लिखा होगा कि इस एग्रीमेंट में मुझे मिलने क्या वाला है। तो इस केस में मुझे क्या मिलने वाला है? मेरा ऑडिट होने वाला है। ऑडिट का क्या स्कोप है, क्या ऑब्जेक्टिव है, वो यहां पर सबसे पहले आएगा। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, ठीक है सर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट आ जाएगा कि ऑडिट में क्या क्या चीजें कवर होंगी, व्हाट इज द स्कोप ऑफ ऑडिटर, प्लस ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है। दूसरी चीज क्या आएगी? दोनों पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, जो दो पार्टीज हैं, एंड द मैनेजमेंट। क्या ये लॉजिकल है? आंसर इज यस। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप आ गया कि ऑडिट में क्या क्या कवर होगा और दोनों पार्टीज की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे बताओ मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑडिट रिपोर्ट इशू करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे हो? मैंने कहा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जैसे हो। तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप एक पॉइंट और याद रखेंगे सर, क्या? कि द एफआरएफ शुड बी एक्सेप्टेबल, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एफआरएफ। एंड ऑडिट रिपोर्ट के साथ आप क्या करेंगे? FRF is basically a format of the financial statement. Audit report के format को कुछ बोलते नहीं है, तो आप सीधा यही लिख दो, form and content of audit report। क्या लिखेंगे हम इसको? Form and content of audit report। यहां आपका पूरा आंसर तैयार हो गया। पहला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। क्या पहला पॉइंट क्लियर है? जल्दी से बताओ। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट सबसे पहले आ गया हमारे एग्रीमेंट में। दूसरा पार्ट क्या है? दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सेकंड पॉइंट हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। थर्ड पॉइंट हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो किस हिसाब से होंगे? एफआरएफ के हिसाब से। तो फोर्थ पॉइंट हो गया एफआरएफ शुड बी एक्सेप्टेबल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या हो गया? फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। फटाफट देखो और मुझे बताओ क्या ये पांचों पॉइंट्स का फ्लो क्लियर है हाँ या ना। Quickly let me know, is this point clear to all of you? Yes or no? No है ही नहीं, वैसे yes ही लिख दिया मैंने तो सीधा। जल्दी से बताओ। सर क्या मस्त घुमा के लाते हो ना आप हमको, दिमाग खराब कर देते हो। एक बार आंखें बंद करके ना रिकॉल भी कर लो। Once you recall, just type in chat box, done, 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 done. आप जो घर पे बैठे हो आप भी एक बार आंखें बंद करके रिकॉल कर लो, भले ये चार्ट भी बना लो, जो आपको नोटबुक है ना उसमें भले ये चार्ट भी बना लो, एंड देन लेट मी नो वाया द चैट बॉक्स, राइट डाउन डन डना डन डन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चांसेस होते हैं इसके पेपर में आने के।
अपॉन डन सर, याद हो गया, वेरी गुड जयश्री, बहुत बढ़िया। अदर्स जस्ट बी कंफर्टेबल, आराम से करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है, टेक योर टाइम बट डू इट, वो इंपॉर्टेंट है। गॉट इट, डन सर। चलो देख लेते पॉइंट्स क्या है। पहला पॉइंट, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलरेडी डन। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। अब दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड दो दो पॉइंट्स क्या थे। मैनेजमेंट का काम क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एफआरएफ और प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर क्या करेगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क देगा क्या, नहीं, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट टू बी इशूड बाय द ऑडिटर एंड अ स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट, दैट देयर मे बी सर्कमस्टेंसेस इन विच अ रिपोर्ट मे डिफर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कॉन्टेंट। हो सकता है ऑडिट रिपोर्ट का जो कॉन्टेंट है वो डिफरेंट आ जाए। सर कब होगा ये कॉन्टेंट डिफरेंट, जब ऑडिटर को एडिशनल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, जब ऑडिटर को एडिशनल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी तब ये कॉन्टेंट डिफरेंट हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कारो 2020 की रिपोर्टिंग है, क्या ये ऑडिटर ने पहले प्लान किया था, नहीं, बीच रास्ते में कंपनी ने बता दिया कि आपको कारो 2020 की रिपोर्टिंग करनी है, तो करनी पड़ेगी, एडिशनल रिपोर्टिंग कर देगा ऑडिटर। तो यही बात है, आपने ध्यान रखनी है, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड पॉइंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। लास्ट पॉइंट एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है। इफ द लॉ और रेगुलेशन प्रिस्क्राइब्स इन सफिशिएंट डिटेल्स द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिटर नीड नॉट रिकॉर्ड देम इन अ रिटन एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट सच लॉ एंड रेगुलेशन अप्लाइज एंड मैनेजमेंट एक्नोलेजेस एंड अंडरस्टैंड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कह रहा है अगर ये बातें ऑलरेडी किसी लॉ रेगुलेशन में लिखी है, सर आपका तो हाथ ही ऐसे ना भारी चला जाता है, समझना, अगर ये बातें जो ऊपर दी गई मैंने पांच बातें आपके साथ डिस्कस करी, ये ऑलरेडी किसी लॉ रेगुलेशन में लिखी है, तो आप ये बात भी बोल सकते हो एक रिटर्न एग्रीमेंट में कि ये बातें जो लॉ रेगुलेशन में लिखी है वो मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, मानता है, तो हम इसको नहीं दे रहे। सो इट्स जस्ट फॉर योर रीडिंग, आईसीआई तो सवाल पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है, ये आपकी रीड के लिए कि बस ये याद रखना कि लॉ रेगुलेशन वाली बात भी हमने कुछ इस तरह से पढ़ी थी, बट ये पांच पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, ठीक है। और दूसरा तरीका जो आईसीआई ये सवाल पूछ सकता है वो ये लाइन दे देगा आपको, द एग्रीड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट शैल बी रिकॉर्डेड इन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर और अदर सूटेबल फॉर्म ऑफ रिटन एग्रीमेंट एक्सप्लेन। ये भी हो सकता है कि आईसीआई क्या बोलेगा, जो भी टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट है उनको ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में रिकॉर्ड किया जाएगा और एनी अदर फॉर्म ऑफ रिटन एग्रीमेंट एक्सप्लेन। तो भाई साहब यहां पे भी ध्यान रखना कि ये बोल रहा है एंगेजमेंट लेटर की बात और इसमें आपको टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट को समझाना है कि क्या पांच चीजें हैं जो आनी चाहिए। एक और तरीका जिससे आईसीआई सवाल पूछ सकता है, कैन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट बी एग्रीड ओरली। सारे बच्चे बताओ चैट बॉक्स में करेक्ट और इनकरेक्ट, कैन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट बी एग्रीड ओरली, करेक्ट और इनकरेक्ट, जल्दी से बताओ, और कौन से ऐसे की रेफरेंस दोगे ये भी बताना आंसर में, बिकॉज करेक्ट इनकरेक्ट लिखने से तुमको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, दो नंबर चाहिए तो तुमको ऐसे का रेफरेंस भी देना पड़ेगा और करेक्ट बात भी बतानी पड़ेगी अगर इनकरेक्ट बोल रहे हो तो। अतुल ने कहा इनकरेक्ट, अच्छा, गरिमा ने भी कहा नो सर ऐसे 210, अतुल ने कहा ऐसे 230, सिग्निफिकेंट मैटर, कहां से तुमने 230 लगाया लिया, 230 की तो बात भी नहीं करी, नालायक, ऐसे 210, मनन ने बिल्कुल सही कहा, प्रसूक ने सही कहा, पीयूष ने सही कहा, सबने बिल्कुल सही कहा, अरे भाई साहब ऐसे 210 चल रहा है तो 230 कहां से आया, कैसी कैसी बातें करते हो तुम, ठीक है नींद पूरी लिया करो, तो इनकरेक्ट आएगा एंड ऐसे 210 आएगा, गॉट इट, साफ साफ लिखा है, एग्री टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट विल बी रिकॉर्डेड इन एन एंगेजमेंट लेटर और एनी अदर फॉर्म ऑफ रिटन एग्रीमेंट। तो मेरे दोस्त एग्रीमेंट तो करना पड़ेगा ना, रिटन बातों बातों में थोड़ी कर सकते हो, कल को मैनेजमेंट पलट गई तो तुम्हारे पास क्या एविडेंस रहेगा कि मैनेजमेंट ने एग्री किया था, ठीक है, तो हमेशा हर चीज रिटन में होनी जरूरी है। अब आता है सर अगला सवाल, क्या आप मेरे साथ रेडी है, सारे बच्चे बताओ हाँ या ना, ये ऐसे में मजा आ रहा है नहीं आ रहा,
ऐसे 210 इज द इजिएस्ट ऐसे ऑफ ऑल, ठीक है, एंड द मोस्ट स्कोरिंग वन। अब आओ अगले सवाल पे, क्या हर साल हम जब ऑडिट करने आएंगे, क्या हर साल जब हम ऑडिट करने आएंगे हमको नया एंगेजमेंट लेटर लाना? यानी मैंने इस साल का ऑडिट कर लिया, ठीक है, इस साल का जो ऑडिट था दिस फाइनेंशियल ईयर, इसका ऑडिट हो चुका है, ठीक है, फर्स्ट ईयर था, मैंने ऑडिट किया, मैंने एंगेजमेंट लेटर एंटर किया, दैट्स इट। मैं अगले साल फिर आया, क्या अब मुझे नया एंगेजमेंट लेटर एंटर करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अब आप इसका आंसर दोगे, इट डिपेंड्स। इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है कि हर बार करना ही करना है या नहीं करना। मुझे एक बात बताओ, कब होगी जरूरत, लॉजिकली बताना, कब होगी जरूरत नए एंगेजमेंट लेटर की? जब हालात बदल जाएंगे। आप कब नई चीज लेके आते हो? जब हालात बदल जाते हैं। When do you need to change the engagement letter? When there is a change in the circumstances. या तो owner बदल गया business का, या business को चलाने वाली management बदल गई। हमने engagement letter में क्या लिखा था? Responsibility of the management. Management अपनी responsibility भूल चुकी है, तो हमको लगता है इसको वापस याद दिलाना है। या फिर जो financial statements हमने बनाने हैं, वो बनाने financial reporting framework के हिसाब से, but हमारा FRF ही बदल चुका है। अब कंपनी पे AS नहीं, Ind AS लगते हैं, ठीक है, ऑडिटिंग की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट बदल गई है, कंपनी के लॉज एंड रेगुलेशन बदल गए हैं, तो बहुत सारी चीजें जो बदल सकती है, और यही बातें यहां लिख रखी हैं। ऑन द केस ऑफ रिकरिंग ऑडिट्स, यानी जो ऑडिट हर साल होते हैं, हमको ये असेस करना है वेदर द सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंसेस यानी हालात, दे रिक्वायर द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट टू बी रिवाइज्ड, एंड वेदर देयर इज अ नीड टू रिमाइंड द एंटिटी ऑफ एग्जिस्टिंग टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। क्या हमको ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स को रिवाइज करना चाहिए, या एंटिटी को वापस याद दिलाना चाहिए कि टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट क्या थे? ऑडिटर कैन डिसाइड, देखो ध्यान से, कंपलसरी नहीं है कि हर बार नया एंगेजमेंट लेटर देना है। ऑडिटर कैन डिसाइड, मे डिसाइड नॉट टू सेंड द न्यू एंगेजमेंट लेटर, हाउएवर फॉलोइंग फैक्टर्स मेक इट एप्रोप्रिएट टू रिवाइज द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट और रिमाइंड द एंटिटी ऑफ एग्जिस्टिंग टर्म। तो दो केसेस आपने ध्यान में रखने हैं, या तो हमको ऑडिट एंगेजमेंट लेटर चेंज करना पड़ेगा। कौन से दो फैक्टर्स हो सकते हैं? या तो कुछ चेंजेस आए हैं, या एंटिटी को रिमाइंड कराना है। सर एंटिटी को रिमाइंड कब कराना है? जब हमको लगता है एंटिटी को समझ नहीं आ रहा, एंटिटी मिसअंडरस्टैंड कर रही है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, या फिर एंटिटी की ओनरशिप में सिग्निफिकेंट चेंज है, या एंटिटी को चलाने वालों में चेंज है, ओनरशिप बदल गई है या मैनेजमेंट बदल गई है, या इसका धंधा ही बदल गया है। ध्यान से समझना, या तो धंधा बदल गया है, या धंधे का ओनर बदल गया, या धंधे की मैनेजमेंट बदल गई है। तीनों में से जो भी बदले हमको फर्क नहीं पड़ता, अगर सिग्निफिकेंट चेंज है नेचर एंड साइज ऑफ एंटिटी के बिजनेस में, तो भी आपको फिर यहां पे लेटर एंटर करना पड़ेगा। सर और बताओ, FRF चेंज हो गया, अदर लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, या ऑडिटर की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, तो यहां पे भी आपका नया एंगेजमेंट लेटर आएगा। या फिर आपको लगता है रिवाइज्ड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, तो आप ऑडिट एंगेजमेंट लेटर को रिवाइज करो। पहले जो दो पॉइंट्स हैं वो एंटिटी के रिगार्डिंग है, कि एंटिटी मिसअंडरस्टैंड करती है, एंटिटी की मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो वापस याद दिला देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट? या फिर आपको लगता है आपके ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स रिवाइज होंगे तो ले आओ। अब बाकी चेंजेस क्या है? धंधा चेंज हो गया, धंधे को चलाने वाला कौन होता है, मैनेजमेंट चेंज हो गई, या इसको जो ओन करता है वो चेंज हो गया। तो तीन पॉइंट्स तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। या तो धंधा चेंज हो गया, दैट इज द चेंज इन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस और द मैनेजमेंट और द ओनरशिप, ठीक है। एंड लास्ट के तीन पॉइंट्स क्या है? दीज आर रिगार्डिंग द ऑडिट रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। या तो FRF चेंज हो गया, या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, या लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। सो मैक्सिमम ये 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपको 4 से 5 पॉइंट्स ही लिखने हैं। बट व्हाई आर वी रिमेंबरिंग सो मेनी पॉइंट्स? ताकि हमको कंफर्ट रहे कि एक आध पॉइंट भूल भी गए तो हमको याद आ जाएगा, ठीक है। क्विकली टेक 2 to 3 मिनट्स, गो थ्रू दीज पॉइंट्स इन द सेम वे एज आई डिस्कस्ड, एंड देन लेट मी नो क्या आपको ये पॉइंट्स याद हो गए। RTP May 21 एकदम ताजा सवाल है, हर बार ये ICA का वन ऑफ द फेवरेट्स रहता है। सो इफ आस्क्ड इन द एग्जाम यू शुड स्कोर फुल ऑन फुल, कम ऑन यू कैन डू इट, द टाइम स्टार्ट्स नाउ। एकदम मन लगा के अच्छे से करो, जिस अप्रोच के साथ डिस्कस किया है वैसे ही करना।
आराम से दिमाग में बैठ जाएगा। डन डना डन डन, वेरी वेरी गुड सर। मैंने कहा हाँ सर और पढ़ाओ। मैंने कहा अरे यार काफी आज के लिए, नहीं नहीं सर थोड़ा और पढ़ाओ। ऐसा करो ये स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग तो खत्म ही करा दो, क्या इसमें कुछ ज्यादा रह गया? द आंसर इज नो। अब बहुत छोटी छोटी बातें रह गई है, ध्यान से समझना। लिमिटेशन ऑन द स्कोप प्रायर टू द ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। अगर मैनेजमेंट और TCWG आपके स्कोप पे लिमिटेशन लगाते हैं, सर स्कोप पे लिमिटेशन लगाते हैं, यानी इसको आप सीधी भाषा में समझो, आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वो ऑब्टेन नहीं करने दे रहे, एंड आपको लगता है कि दिस लिमिटेशन विल रिजल्ट इन डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का मतलब है ये लिमिटेशन जो है इसका जो इंपैक्ट है ये मटीरियल है। ठीक है, हम तो मटीरियलिटी देखते हैं ना, इसका इंपैक्ट मटेरियल है, प्लस इट इज परवेसिव टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर परवेसिव का क्या मतलब है? आप इसको ये मान के चलो इट अफेक्ट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल। मोटा माटी आप पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ही कंफर्ट नहीं ले पाओगे, आप रीजनेबल अश्योरेंस नहीं ले पाओगे, तो आपका ओपिनियन आपको डिस्क्लेम करना पड़ेगा। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का मतलब है यू विल नॉट बी एबल टू गिव द ओपिनियन। मुझे एक बात बताओ, जिस ऑडिट इंगेजमेंट का आप एक्सेप्ट कर रहे हो और एक्सेप्ट करने से पहले ही आपको पता है कि आप रीजनेबल अश्योरेंस नहीं ले पाओगे, आपको ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करने नहीं दिया जाएगा, एंड इंपैक्ट मटेरियल भी है, यानी इट विल अफेक्ट द डिसीजंस ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्लस इट इज अफेक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक तरह से इंपैक्टेड है, जहां आप अपना ओपिनियन ही नहीं दे पाओगे। क्या आपको ऐसी एंगेजमेंट एक्सेप्ट करनी चाहिए? द आंसर इज नो, आपको ऐसी एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। यू विल नॉट एक्सेप्ट सच लिमिटेड ऑडिट एंगेजमेंट। क्या ये बात बहुत लॉजिकल है? हाँ सर ये बात बहुत लॉजिकल है। तो ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले ही अगर आपको मैनेजमेंट ऐसे इशारे दे रही है, TCWG ऐसे इशारे दे रही है कि आओ तो सही, आओ कभी हवेली पे, हम तुमको एक भी ऑडिट एविडेंस इकट्ठा नहीं करने देंगे, और आपको पता है इसका इंपैक्ट ऐसा है कि आप अपना ओपिनियन भी एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, तो मेरे दोस्त आप ऐसी ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या ये सिंपल सी बात समझ आई? जल्दी से बताओ हाँ या ना। क्या ये बात आपको समझ आई कि अगर मैनेजमेंट ऐसी लिमिटेशन लगाता है जिसकी वजह से आप अपना ओपिनियन डिस्क्लेम कर दो, डिस्क्लेम का मतलब समझ आया कि आप अपना ओपिनियन ही नहीं दे पाओगे, तो मेरे दोस्त क्या फायदा ऐसा ऑडिट एक्सेप्ट करने का? मत ही करो ना, अपना समय किसी प्रोडक्टिव चीज पे लगाओ। Why will you accept such audit engagement? सिंपल बात है, बस इतनी सी बात आपने ध्यान रखनी है। Acceptance of a change in engagement, इसका क्या मतलब है? जल्दी से बताओ, इन दोनों टॉपिक्स में फर्क क्या है? इन दोनों टॉपिक्स में फर्क क्या है? पहला वाला कह रहा था लिमिटेशन ऑन द स्कोप प्रायर टू द एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, अब ये कह रहा है एक्सेप्टेंस ऑफ अ चेंज इन एंगेजमेंट। ध्यान से समझना फर्क क्या है।
इसमें आपने ऑडिट एक्सेप्ट कर रखा है, पहले से ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया है, अब बीच ऑडिट में मैनेजमेंट गड़बड़ कर रही है। अगर बीच ऑडिट में मैनेजमेंट गड़बड़ करेगी तो अब आपने क्या करना है, ध्यान से समझना। एन ऑडिटर हु बिफोर द कंप्लीशन ऑफ एंगेजमेंट इज रिक्वेस्टेड टू चेंज द एंगेजमेंट टू वन विच प्रोवाइड्स अ लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस, यानी आपकी अश्योरेंस की मात्रा कम कर दी, अब आपको एविडेंस ज्यादा नहीं खट्टा करने दिया जा रहा, यू विल कंसिडर द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डूइंग सो। अब क्लाइंट कौन कौन सी सिचुएशंस में, कौन कौन सी सिचुएशंस में आपको लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस की तरफ धक्का दे सकता है, ये सारी तीन कंडीशंस हैं। एक तो चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग एज टू द नेचर ऑफ ऑडिट एंड रिलेटेड सर्विस ओरिजिनली रिक्वेस्टेड, तीसरा रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप ऑफ एंगेजमेंट वेदर इम्पोज्ड बाय द मैनेजमेंट और सर्कमस्टेंसेस। तो तीन चीजें हो सकती है, चेंजेस इन सर्कमस्टेंसेस, दूसरा क्या हो सकता है, मैनेजमेंट आपके रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, और तीसरा हो सकता है आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ऑडिटर का काम है टू कंसिडर केयरफुली द रीजन गिवन फॉर द रिक्वेस्ट, पर्टिकुलरली द इम्प्लीकेशंस ऑफ द रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप ऑफ एंगेजमेंट स्पेशली लीगली एंड कॉन्ट्रेक्चुअल इम्प्लीकेशंस। तो ये तीन चीजों को आपने समझना है कि सर्कमस्टेंसेस में क्या चेंज आया, सर्कमस्टेंसेस में चेंज कैसे हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप पे कोई एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट लगा दी गई है, ठीक है, या फिर यही हो सकता है जनरली कि एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट लगा दी, या लॉज रेगुलेशंस में कुछ चेंज आया है जिससे आप पे इंपैक्ट आ रहा है। तो अगर लॉ रेगुलेशन का चेंज है तो उसमें तो आप भी कुछ नहीं कर सकते, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, जो भी एक्सेप्ट होगा वो करना ही पड़ेगा। तो अगर चेंजेस इन सर्कमस्टेंसेस है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, पहले आपने किसी और चीज पे एग्री किया था अब मैनेजमेंट पलट रही है, या फिर तीसरी चीज है मैनेजमेंट आप पे रिस्ट्रिक्शन लगा रही है कि भाई हम आपको एविडेंस इकट्ठा नहीं करने देंगे, या सर्कमस्टेंसेस रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं जैसे कि कोविड-19। अगर कोविड आ गया था, कोविड-2020 जो था उस टाइम पे भी ऑडिटर कई सारे एविडेंस इकट्ठे नहीं कर पाया, घर बैठे वर्क फ्रॉम होम कितना ऑडिट कर पाएगा ऑडिटर। तो अगर रिस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप लगाया जा रहा है, अगर चेंजेस इन सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ये तीनों केसेस में मैनेजमेंट आपसे रिक्वेस्ट कर सकता है टू चेंज द एंगेजमेंट। जहां मैनेजमेंट ये रिक्वेस्ट कर रहा है, आपने इसका रीजन समझना है कि इस रीजन का क्या इंप्लीकेशन होगा ऑन द स्कोप ऑफ एंगेजमेंट, बस आपने इतनी सी बात समझनी है। अगर ऑडिटर को लगता है देयर इज अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन ऑफ द चेंज इन एंगेजमेंट, यानी हमको चेंज करना चाहिए, एंड इफ द ऑडिट वर्क परफॉर्म्ड कंप्लाइड विद एसेस एप्लीकेबल टू चेंज एंगेजमेंट, रिपोर्ट इशूड वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर द रिवाइज टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। यानी ऑडिटर को मैनेजमेंट की बात ठीक लगी कि हाँ चेंज करना चाहिए, उसने एक्सेप्ट भी कर ली, जो रिपोर्ट है वो भी ऐसे ऐसे कंप्लाई कर रही है, तो फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन, ऑडिट रिपोर्ट वुड नॉट इंक्लूड रेफरेंस टू द ओरिजिनल एंगेजमेंट और एनी प्रोसीजर्स दैट मे हैव बीन परफॉर्म्ड इन द ओरिजिनल एंगेजमेंट। क्या मैं ये बोल दूं ओरिजिनल एंगेजमेंट की बात ही नहीं होगी, क्योंकि अब हमने अपना ऑडिट एग्रीमेंट जो एंगेजमेंट लेटर है उसको रिवाइज कर दिया है। तो जब भी आप नए टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के हिसाब से अपना ऑडिट रिपोर्ट दोगे, आप पुरानी वाली को रेफरेंस नहीं दोगे, इसके रिगार्डिंग आपके पास करेक्ट इनकरेक्ट आ सकता है, ध्यान रखना इस बात को, इसके रिगार्डिंग आपके पास प्रॉपर करेक्ट इनकरेक्ट आ सकता है। तो आप ऐसे 210 का रेफरेंस दोगे और बोलोगे Whenever you are issuing a report as per the revised terms of audit engagement, you will not give reference to the original terms of engagement or the original letter. क्या ये वाली बात आपको समझ आई, जल्दी से बताओ हाँ या ना। ये confusion वाली बात समझ आई, confusion में confusion तो नहीं हुई, इतनी सी बात बस वो कहने की कोशिश कर रहा है, अगर revise कर लिया तो revise के हिसाब से करो, original की फिर बात मत करना, ताकि जो बंदा read कर रहा है audit report वो समझ पाए कि हाँ इस engagement letter की बात हो रही है, पुराने वाले की बात नहीं हो रही। समझ आया, बताओ हाँ या ना। मैंने इसको तभी आपको बॉक्स में दे दिया है कि भाई पुराने वाले को फिर रेफरेंस करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने नए एंगेजमेंट लेटर के हिसाब से आगे बढ़ चुके। जल्दी से बताओ, क्लियर है बात, छोटी छोटी बातें हैं, करेक्ट इनकरेक्ट के काम आ सकती हैं आप। यस सर, अब एक बात बताओ, लेटर ऑन अगर मैनेजमेंट कभी भी आपसे टर्म्स की रिगार्डिंग चेंज बोलता है, लेटर ऑन कभी भी मैनेजमेंट अगर आपको बोलता है टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट चेंज करो, ऑडिटर को एग्री नहीं करना चाहिए अगर उसको लगता है कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है। ठीक है, तो यहां पे उसने क्या किया था, उसको जहां लगा रीजनेबल जस्टिफिकेशन है और ऑडिट रिपोर्ट ठीक इशू हो रही है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, बट अगर उसको लगता है रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है तो उसको चेंज के लिए कभी एग्री नहीं करना चाहिए। और अगर ऑडिट एंगेजमेंट की टर्म्स चेंज हो जाती है, लॉजिकली बताना, अरे इनफ फॉर टुडे, यहाँ पे खत्म कर देंगे गरिमा, डोंट वरी, यहाँ पे हम एंड कर देंगे, बस अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ।
अगर मैंने ऑडिट एंगेजमेंट की टर्म्स रिवाइज करी, क्या पुराना वाला एंगेजमेंट लेटर चलने दें? क्या मैं ये बातें ओरली एग्री कर लूं या मुझे रिटर्न में एग्री करनी चाहिए? सोच समझ के बताना क्या होना चाहिए। आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम यू। अगर मैंने टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट रिवाइज करी है, शुड दे बी रिकॉर्डेड इन रिटर्न और दे शुड बी जस्ट अगेन एग्रीड ओरली? बिकॉज एक बार तो हम रिटर्न में कर चुके हैं ना, एक बार तो रिटर्न में कर लिया ऐसे 210 के हिसाब से, क्या अब हमको एक नए रिटर्न एंगेजमेंट लेटर में करना चाहिए? सबने बिल्कुल सही कहा सर, यस करना चाहिए। सो ऑडिटर एंड मैनेजमेंट शैल एग्री एंड रिकॉर्ड द न्यू टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट इन एन एंगेजमेंट लेटर। सर अब एक लास्ट बात की बात करते हैं, लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट ने कहा टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ये जो टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट है इनको चेंज करो, ऑडिटर ना कर रहा है। ऑडिटर ने कहा नो बाबा नो, एंड मैनेजमेंट उसको कंटिन्यू नहीं करने दे रहा, मैनेजमेंट उसको कंटिन्यू भी नहीं करने दे रहा। तो आप बताओ लॉजिकली अब क्या होना चाहिए, आप बताओ क्या होना चाहिए? मैनेजमेंट ने कहा टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट को चेंज करो, ऑडिटर ने कहा ना रे बाबा ना, मैं तो नहीं करता, मेरे को तो कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं लग रही, मेरी तो अश्योरेंस की मात्रा कम हो रही है, मैं तो नहीं करूंगा। तो मैनेजमेंट ने कहा हम तुमको काम भी नहीं करने देंगे, कंटिन्यू भी नहीं करने देंगे। अब ऑडिटर को क्या करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए या पतली गली से निकल जाना चाहिए? लॉजिकली बताओ, लीव द एंगेजमेंट। अतुल ने बिल्कुल सही कहा सर, हमको ऑडिट एंगेजमेंट से चले जाना चाहिए, जहां हमारी इज्जत नहीं वहां हम भी नहीं। ठीक है, ऑडिटर कहता है जहां हमारी इज्जत नहीं हम वहां हम भी नहीं। नाउ द ऑडिटर विल विदड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट, यही बात यहां लिख रखी है। और सर चुपचाप नहीं जाएगा, शोर मचा के जाएगा। शोर कैसे मचाएगा ये यहां लिख रखा है, If the auditor is unable to agree to the terms of audit engagement में जो change आया है and is not permitted by the management to continue, he shall withdraw from the audit engagement जहां भी possible under the law and regulation and determine whether he has any obligation, contractual भी हो सकती है otherwise भी हो सकती है, to report these circumstances to other parties। मुझे एक बात बताओ, management की complaint किससे करते हैं? Cheating मत करना, जल्दी से बताओ, मैनेजमेंट की कंप्लेंट करनी किसके पास जाएंगे? अब अगर तुमने बता दिया ना तो तुमको फील भी आ जाएगी और तुम्हारा आंसर भी सही हो जाएगा, तो सोच समझ के बताना। छोटे बच्चे की कंप्लेंट मम्मी पापा से, मैनेजमेंट की कंप्लेंट किससे? अतुल सृष्टि, वेरी वेरी गुड। सर हम कंप्लेंट करेंगे TCWG को, हम कंप्लेंट करेंगे ओनर्स को जिन्होंने हमें अपॉइंट किया है, हम करेंगे रेगुलेटर्स को, रेगुलेटर्स यानी सेबी, ठीक है, सेबी को रेगुलेट करेंगे, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो भी हमको ठीक लगता है, हम इन रेगुलेटर्स को भी बता देंगे कि भाई साहब हमारी इज्जत नहीं हो रही। ठीक है, तो यही बात आपने बस ध्यान में रखनी है, यही छोटी मोटी बातें मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। दिस इज ऑल अबाउट योर एसे 210। आई होप एसे 210 पढ़ के आपको मजा आया हो। सर रट्टा किस किस का लगाना है? तो भाई साहब पहले पेज पे जो हमने तीन टॉपिक्स पढ़े ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन तीन टॉपिक्स पर हमारे पास चार चार पांच पांच पॉइंट है जो आपको याद रखना बड़ा आसान है। पहला पॉइंट है प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट, FRF एक्सेप्टेबल होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या था? एग्रीइंग विद द मैनेजमेंट कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड भी करता है और एक्नॉलेज भी करता है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा एज पर FRF, इंटरनल कंट्रोल रखेगा, प्रोवाइड करेगा ऑडिटर को विद आउ। सर आउ का क्या मतलब है? All information, additional information and unrestricted access. उसके बाद हमने डिस्कस किया contents of audit engagement letter. So contents of audit engagement letter में क्या था? सबसे पहले objective and scope of audit. दो parties की responsibility, FRF और reporting form and content of audit report. And then the third point that we discussed was कब audit engagement का letter हमको change करना पड़ेगा? मैंने कहा पहले तो जब misunderstanding है। दूसरा हमारी terms of audit engagement revise हो गई है। अगला set क्या था? सर अगला सेट था बिजनेस बदल गया, बिजनेस को मैनेज करने वाले बदल गए या बिजनेस के ओनर बदल गए। एंड द थर्ड सेट वाज FRF बदल गया, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट बदल गई या लॉ रेगुलेशन बदल गए। एंड देन वी डिस्कस दिस छोटे मोटे पॉइंट्स व्हिच आई होप आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये आपके एक छोटी मोटी केस स्टडी के फॉर्म में आ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपका आज का होमवर्क क्या है? सर आज हमको हमारा होमवर्क बताओ, जो भी आज हमने पढ़ा है, आज हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े कोई बच्चा मुझे बताएगा? सारे बच्चे मुझे एक बार क्विक गो थ्रू करा। What are the topics that we have discussed since the day we started with this topic? सबसे पहले हमने पढ़ा conduct of audit in accordance with standards on auditing. एक पेज का टॉपिक था, जनरल पेज था, हमने रीड किया, समझ आ गया, वेरी इजी टॉपिक। अगला टॉपिक हमने क्या किया याद है? हाँ सर याद है, प्रियंका चोपड़ा वाला याद है प्रियंका चोपड़ा वाला क्या था सर वो? Not to deceive, क्या था वो? Financial statement should not deceive anyone. Financial statement not misleading. Very, very good.
फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट मिसलीडिंग, बहुत बढ़िया, जिसमें हमने तीन पॉइंट एंट्रीज वाले करे थे एंड क्लियरली कंफर्म करेंगे वो ट्रू एंड फेयर है, वेरी वेरी गुड। फिर हमने क्या डिस्कस किया सर, फिर हमने क्या डिस्कस किया था, एक और टॉपिक डिस्कस किया था, उस टॉपिक में क्या था, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट सर, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट में क्या पढ़ा था, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट में हमने क्या पढ़ा था, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट में मैंने आपको बोला था सेल्फिश, कि ये हमारे इंटरेस्ट को सेफगार्ड करता है, कैसे, एम्प्लॉइज के सिर पे तलवार लटक रही होती है तो एक्ट्स एज अ चेक ऑन द एम्प्लॉइज, प्लस मॉरल चेक रहता है एम्प्लॉइज पे। दूसरा क्या था, वेस्टेज और लॉसेस को पकड़ता है, जब सब अच्छा चल रहा होगा तो लाइसेंस इशू हो जाएगा, एंड लाइसेंस इशू हो जाएगा तो एवरीथिंग विल सेटल, सेटल द लाइबिलिटी, सेटल द पार्टनर्स, वो जब भी निकलेंगे आएंगे जाएंगे जो भी था, एंड आखिरी में डिस्प्यूट भी सेटल हो जाएंगे, वेरी वेरी गुड। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द थ्रेट्स, आई थिंक हमने थ्रेट्स के बारे में पढ़ा था, यस सर हमने थ्रेट्स के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ थ्रेट्स पढ़े थे, टाइप्स ऑफ थ्रेट्स का क्या मतलब था, हमने पढ़े थे साफी, राइट, साफी का क्या मतलब था, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट, इंटीमिडेशन थ्रेट, एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट रह गया, राइट, एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट रह गया, एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट में क्या था, आप दो तरह के सिस्टम्स को चेक करो, फिर बैलेंस शीट पीएनएल देखो एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स देख के रिपोर्ट इशू कर लेना, आई होप ये बात आपको याद आ गई है। एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट थ्रेट्स के बाद हमारे पास इसका था सेफगार्ड्स की भी हमने कुछ बात की थी, की थी एंड लास्ट में हमने डिस्कस किया एसए 210। आर यू एबल टू रिकॉल, देखो की बहुत सारी बातें हैं बट जब याद करें ना कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है, आराम से हो जाएगा। तो इन्हीं चीजों को आज आपने एकदम ना, जैसे कहते हैं ना, शिद्दत से रिवाइज करके आना है बिफोर द नेक्स्ट क्लास, आप इन चीजों को एकदम प्यारे तरीके से रिवाइज करना, मैं बता रहा हूं आपको, अगर आपने इनको एकदम बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लिया ना, कोई नहीं रोक सकता आपको एकदम शानदार कॉन्फिडेंस लाने से, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे दोस्तों, हैव अ ग्रेट डे अहेड, हम है राही ऑडिट के, फिर मिलेंगे चलते चलते, आज के लिए इतना काफी है।